पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना विच विद्यार्थन नाल होए शोषण का मामला सामने आया है। 29 जुलाई 2023 नू किसी अणजाण द्वारा गवर्नर नू चिट्ठी लिखी गई जिहड़ी कि सोशल मीडिया उत्ते वायरल हो गई है। इस चिट्ठी विच प्रोफेसर द्वारा विद्यार्थन नाल होए शोषण बारे लिखा गया है। सो जिहड़ा मुद्दा चल रहा इस यूनिवर्सिटी का सैक्शुअल हरासमेंट का केस चल रहा, एक गुमनाम चिट्ठी बाहर आती है विद्यार्थियों वालों। बेसिकली जिहड़ियां साड़ियां धीआं भैणा फीमेल्स विद्यार्थियों वालों एक चिट्ठी बाहर आती है, एड्रैस की जाती है गवर्नर नूं। वह गुमनाम चिट्ठी दे विच जो लिखा जाता है वह है भी सैक्शुअल हरासमेंट का जिहड़ा केस होया उहदा भी एक बैकग्राउंड है। वह चिट्ठी का चिट्ठी लिखी क्यों जाती है उहदा एक कारण यह है भी जिहड़ा एक्यूज्ड बंदा जिस बंदे ने सैक्शुअल हरासमेंट साडी विद्यार्थन नाल कीती उह विद्यार्थन ने लैटर आउण तो हफ्ता 10 दिन पहला साडे मानयोग वाइस चांसलर साहब नूं एक लैटर लिखी सीगी। जो भी उहदे नाल हड बीती हुई उन्हें सारा का सारा उस लैटर दे विच लिखिया भी मेरे नाल सैक्शुअल हरासमेंट की गई, मेरे नाल जो सैक्शुअल गैस्चर उस एक्यूज्ड बंदे ने किए वो सारा का सारा उस चिट्ठी दे विच वो विद्यार्थी ने वर्णन किया। यह भी कहा जाता है कि उस प्रोफेसर नूं कोई भी विद्यार्थी नहीं दिता जाएगा। विद्यार्थी इस तो खुश नहीं क्योंकि उन्हों का कहना है कि यह सज़ा नहीं सगों सहूलत है। उन्हों का कारण की है एनोनमस चिट्ठी लिखन का भी पहला तो जो मीडिया यूनिवर्सिटी सवाल करता है भी ये कोई केस होंदा तो आप पहला डिनाइल ही कर दें, आप डिनाइल मोड च आ जाने भी ये केस तो होंगे ही नहीं गा। ठीक है जी, जो एनोनमस लैटर बाहर होंगी है फिर उदों एक बयान यह आ जाता है भी हाँ जी असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा जे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो फिर बयान आ जाता भी ये कॉन्सपीरेसी है। जे कॉन्सपीरेसी है तो फिर वो एक्यूज्ड बंदे ते कार्रवाई क्यों की जाती है। मैं कार्रवाई का भी तुहानू एक छोटा जा हिस्सा दस देना। कार्रवाई ये की जाती है भी वो टीचर नूं कोई भी विद्यार्थी गाइड करने लई नहीं दिता जाऊगा। अच्छा जे वह कॉन्सपीरेसी है, जे उस एक्यूज्ड बंदे ने सैक्शुअल हरासमेंट की नहीं फिर कार्रवाई क्यों की जाती है। इस तो बाद यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी एक्शन लेंदी है तो उस प्रोफेसर की बदली कपूरथले कर दिती जाती है। ये यूनिवर्सिटी वालों स्टेटमेंट आ भी असी उस बंदे की एक्यूज्ड बंदी जी ट्रांसफर करती कपूरथले। तो मैं तुहानू पुछना चाहूँगा भी बी सोशल दे माध्यम राही ये सारे जिहड़े दर्शक ने मैं पुछना चाहूँगा भी सिर्फ इन्ना ही है भी कपूरथले भेज दिओ जे किसी ने सैक्शुअल हरासमेंट की है तो भी जे मैनू लगता एक फॉर्मूला भी जनरेट हो गया भी जे किसी ने ट्रांसफर करनी है तो फिर इस माध्यम राही जाए ना ही उन्हें कोई काम करने की लोड़ आ। ठीक है वो आपका उत्थे बैठा है जी कपूरथले, उन्होंने स्टूडेंट गाइड करन की भी कोई लोड़ नहीं गी, सिर्फ आपका रिसर्च करे, टीचिंग की भी नहीं लोड़, बस जी तनखा ठीक है वह तो उन्होंने प्रिविलेज मैं लगता होर मिल गई इस चीज़ नाल। बिल्कुल यह मसला हाई पावर कमेटी को जाण तो पहला ही असी उस शख्स नू इतों बदल के दूर भेजता और तां कि साडी जिहड़ी कार्रवाई है उहदे कोई इफेक्ट ना पवे और वो दूर बैठा है। साडी कमेटी फैसला कर रही है और दोनों पक्षों नू सुनने तो बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट जिहड़ी आ वो मानयोग वाचन साहब नू दित्ती। मानयोग वाचन साहब ने सारी की सारी रिपोर्ट जिहड़ी आ वो सैक्सुअल हरासमेंट कमेटी नू देती है। उस कमेटी दे विच जिन्ने मैंबर ने उन्होंने शॉर्टली मीटिंग करके असी कंसेंसस ते पहुँच के एक रिपोर्ट जिहड़ी आ वो मानयोग वीसी साहब नू देवांगे और जिहदे विच बिल्कुल जिहड़ा कसूरवार होवेगा भावें उन्हूं सस्पेंड करना पवे जां उन्हूं टर्मीनेट करना पवे ये सारा कुछ ही होवेगा पर होवेगा मेरे दोस्तों एविडेंसा दे आधार ते। किसी भी असी फिर उद्दू बाद तुहानूं एक गल दसदा भी असी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पिछले दिन ही भी वी आर नॉट सैटिस्फाइड, असी सैटिस्फाइड नहीं गए जिहड़ी तुसी इन्वेस्टिगेशन कीती, वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन कमेटी।
इन्होंने दो केस बनाते भी, एक तो हैगा जी सैक्सुअल हरासमेंट का, एक तो हैगा जी मैंटल हरासमेंट का। ठीक है, जे मैंटल हरासमेंट का केस है फिर तुसी उन्हों कंकलूड क्यों किया, तुसी इको कमेटी क्यों पाया, जिहड़ी कमेटी का ना ही है सैक्सुअल हरासमेंट रीहेड्रेसल कमेटी। या तो फिर उन्होंने ढंग नाल तुसी एक पॉलिसी उस हिसाब नाल घट्टो घट स्टेटमेंट तो यह देने देना भी हाँ जी आ सैक्सुअल हरासमेंट कमेटी आ, ये साड़ी मैंटल हरासमेंट कमेटी आ, साड़ा सोशल सॉरी काउंसलिंग जिहड़ा सैल आ ये असी जिहड़ा मसला काउंसलिंग सैल हेठा भेज दिता गया है, तो जिहड़ा ये मसला असी सैक्सुअल हरासमेंट कमेटी जिहड़ा अंदर भेज दिता गया, तुसी दोहें केस उहदे च भेज दिंदे हो। जिहड़ा मेन अक्यूज्ड आ सैक्सुअल हरासमेंट का उन्होंने तो सज़ा मिल जाती है ट्रांसफर हो जाता है, जिहड़ा दूजा केस आ मैंटल हरासमेंट का उन्होंने मिल जाता इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर विद नो इंटरफेरेंस इन सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तुसी मैनू दसो भी सब तो ज़्यादा निराशा साडी विद्यार्थियों नू होई है भी किसी भी अथॉरिटी के मैंबर ने सानू ओपन डायलॉग नहीं बुलाया कि बच्चों दसो होया की है। मैनू हैरानी की गल ये है भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसीएशन आ, तो किसी मतलब मैं ये गल सोच के हैरान होना भी किसी टीचर की जमीर ही नहीं जागी, मर जमीर मरी गई जमा। जो साड़ी प्रिलिमिनरी कमेटी हाई पावर कमेटी जी मानयोग वाइस चांसलर साहब उन्होंने बनाई सी, उन्होंने दोनों मामलों बहुत डिटेल दे विच कोख्या, उस कोखण तो बाद जो कुछ फैक्ट एंड फिगर और एविडेंस उन्होंने मिले ने, उन्होंने जोड़े दोनों केस ने वो एक सैक्सुअल हरासमेंट कमेटी जी है, मैं उस कमेटी बारे भी सारे दसना चाहना कि उस कमेटी के भावें कि वो कमेटी साड़ी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की चेयरमैनशिप थले बनी है, पर उदे वेच मैडम डेप्टी कमिश्नर ने एक अपना रिप्रजेंटेटिव देना है जिहड़ा सोशल एक्टिविस्ट हुंदा है, और उस कमेटी की मीटिंग जिहड़ी आ उह असीं बहुत जल्दी इसे हफ्ते कराउण जा रहे हैं, जिहदे वेच दोनों पक्षां नूं सुणदे होए जो उन्हां दे एविडेंस होणगे उहदे मुताबक उन्हां प्रूफां दे आधार ते मानयोग वाइस चांसलर साहब नूं एक रिपोर्ट पेश की जाऊगी, जिहदे विच जिहदा जिन्ना फाल्ट होएगा जिन्ना जिहदा कसूर होएगा उन्हूं उन्नी उहदे हिसाब नाल सज़ा दित्ती जाऊगी, अगर उहदा फाल्ट इस हिसाब ने नाल बहुत ज़्यादा है तां केस जिहड़ा वा उह पुलिस नूं भी फारवर्ड किया जा सकता है। सो मानयोग वाइस चांसलर साहब इस दे विच बहुत सीरियस हो के एक्शन लै रहे ने, और जिहड़ी भी रिपोर्ट आएगी उहदे हिसाब नाल जिहड़ा कल्परिट मिलिया जिहड़ा भी कसूरवार बंदा मिलिया, कसूरवार भावें उह विज्ञानी होवे जां विद्यार्थी होवे जां कोई भी होवे जिहड़ा यूनिवर्सिटी दे विच इहो जिहा गलत काम गलत ते घरौणा काम करदा है उहनूं मानयोग वीसी साहब कदे भी नहीं बख्शणगे। ठीक है, कमेटी भी बनाती, कमेटी दा रिजल्ट भी बाहर आ जांदा, दो तीन प्रोफेसरां दे नां रिटन कंप्लेंट दे विच ते नियर अबाउट जिहड़ा वर्बल डिस्कशन असीं विद्यार्थी करदे हां साडी यूनियन कोले जां साडे असीं जिहड़ी वन टू वन डिस्कशन हुंदी आ उहदे जिहड़ी वर्बल कंप्लेंट्स 5-7 ने, रिटन 2-3 कंप्लेंट्स आईआं, वो 2-3 कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो रिजल्ट बाहर आता जी, यूनिवर्सिटी वालों मीडिया को अड्रैस करके उस चीज़ का रिजल्ट दस दिता जाता भी आह केस होए सीगे, उस तो बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आती भी साढ़े को एक सैक्सुअल हरासमेंट का केस आया सीगा, वो केस दे विच मैं अक्यूज का नाम ही लै देना जी डॉक्टर युवराज सिंह पांधा एंटमोलॉजी डिपार्टमेंट के। वेखो जी वो मानसिकता का जिहड़ा बंदा वो तो कोई पहला केस नहीं गा, पहला वो फिरोजपुर सीगा उत्थों केस आया वो इत्थे आ गया, वो एक ना इंग्लिश का एक वर्ड आ रेसिडिविज़म भी उहदी एक ओफिशा एक मैंटल जिहड़ा लैवल आ ओफेंसिव बन चुकिया भी उहने काम करना ही करना भी तुसीं मतलब भी आपां यूनिवर्सिटी उस घातक बंदे नूं पनाह दे रही है, मोटी मोटी मंग समझा दिंदा, पहली गल सस्पेंड करो जी, रीइनवेस्टिगेट ही कर दो सारियां चीज़ां, जिहड़ा जिहड़ा बंदा भी सैक्सुअल हरासमेंट च हैगा उहनूं सस्पेंड करो भी डोंट वॉन्ट दीज परसनस। ये जिहड़ी सज़ा देनी मैं तो अपने आप दे विच यह समझना कि ये काम ही बड़े घरौने काम ने जिन्हां दे विच कोई बंदे नूं इहो जिही सज़ा मिले, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खास तौर पर मानयोग वाइस चांसलर साहब तो ये कदे भी टॉलरेट नहीं करनगे और नहीं टॉलरेट ये करते, क्योंकि सारियां धियां भैणां जिहड़ियां ने वो साडियां इत्थे पढ़दियां मेरियां बच्चियां पढ़दियां वा, तो इहो जिहा काम सानू
असी टॉलरेट किसी हद तक भी नहीं कर सकते। और जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि उन्हां कोलों क्लासां लै लईआं ने भी उहदे नाल ते उह वेले हो जाणगे, इस तरह बिल्कुल नहीं हैगा। साढ़े कोल वक्रे वक्रे कंपोनेंट आ, एक अकैडमिक कंपोनेंट आ, एक साडा जिहड़ा वा रिसर्च कंपोनेंट आ, एक साडा एक्सटेंशन का कंपोनेंट आ। तो सानू पता कि असी इहनू कित्थे लाउणा, पर यह गल आपां क्यों करदे आ, आपां तां इह कहो कि जे सानू एविडेंस मिलदे आ ते एविडेंस के आधार पर वो सस्पेंड और टर्मीनेट जिहड़ा वो करना ही पवेगा। सर जी कमेटी के क्वेश्चन मार्क है तो असं यह भी मंग रखते हैं भी कमेटी चेंज की जाए, री इनवैसटीगेशन कराई जाए कमेटी तो, कि दूजा केस भी जे कोई भी केस जो दूजा केस भी सैक्शुअल हरासमेंट केस हैगा उन्होंने टंग दिता जाए, उन्होंने भी सस्पेंड किया जाए। सानू यहोजी मानसिकता के बंदे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।